अभी जाने हो तो हवाएं भी हो देती है। तो इस समय मैं उसी बगीचे में खड़ी हूँ जो करौंदा, आंवले और अमरूद का बगीचा है। तो इस समय गर्मी का मौसम, यानी इसमें नवरात्रि चल रहा है और इस समय आंवला कहीं भी पेड़ में नहीं लगे रहते हैं। करौंदा में फूल आए हैं तो मैं आपको यहाँ विशेष दिखाना चाहूँगी। गेहूँ की खेती पूरी तरह से कर चुकी है, बीही के पत्ते पूरे झड़ चुके हैं, पर जो मैं घर बनवा रही हूँ उस छत से हमको दिखा कि यहाँ आंवला फला हुआ है। आप देखोगे वहाँ पर हमारा घर बन रहा है। तो वहाँ से मैं देखी तो बच्चों से पूछी भी तो बच्चे बोले नहीं चाची ये आंवले की पीली पीली पत्तियाँ हैं। तो हम यहाँ देखने आए कि सचमुच में आंवले की पत्तियाँ हैं या आंवला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये देखिए, ये आप देखिए, ये है आंवला। आप यहाँ देखिए पास में, ये है आंवला और शुद्ध आंवला। घर वाले भी बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि इतनी समय आंवला कैसे फला है, लेकिन सभी पेड़ों में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एक दो पेड़ हैं। अब आप इस बगल के पेड़ में देखो इतना ज़्यादा आंवला फला है, इसमें लोग तोड़ के भी ले जाते हैं। और आप ये देखो, मैं आपसे दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये आंवले का फूल है ये, और आंवला भी फला हुआ है। अब आप देखो मैं तोड़ रही हूँ आंवले को, ये गिरा जा रहा है क्योंकि अत्यधिक गर्मी है। ये देखिए आंवला, ये आंवला इतने पर ही, यानी कि जाड़े में बहुत बड़ा बड़ा फला था, अभी इतने पर ही ये पक गया है। यानी इस आंवले का मुरब्बा बन सकता है, अचार बन सकता है। ये आंवला यानी अमित फल है। आप देखो इतना ज़्यादा फला हुआ है कि कोई घर में विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आंवला अभी फला तो फला कैसे। तो ये चमत्कार। और ये देखिए आप, मैं आपको उधर दिखाना चाहूँगी, ये खिला है करौंदा। चलो आपको मैं करौंदा का फूल दिखाती हूँ। ये करौंदा बरसात में, एक बार मैं आपको दिखाई थी ठंड में करौंदा को फला हुआ था, ये करौंदा इतनी पत्तियाँ हैं उससे ज़्यादा इसमें फूल लगा है। तो ये बरसात में करौंदा हो जाएगा, बाज़ार में आ जाएगा। तो मैं ये घर का बगीचा दिखा रही हूँ और एक करौंदे का फूल है। ये मैं आंवला तोड़ के हाथ में ली हूँ, ये देखिए, ये करौंदे का फूल है, ये बरसात में ये फूल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, लट जीरा का पेड़ जो कि तीजा के समय इसकी दातून की जाती है। ये देखिए लट जीरा, यानी मैं आपको दिखाऊंगी लट जीरा किसको बोलते हैं। ये है, ये इसमें, ये देखिए, ये जीरा के जैसे थोड़ा सा इसमें कटीला कटीला है। ये देखिए एकदम से इसमें जीरा के जैसे दाने निकलते हैं, कपड़े में लग जाते हैं, तो लट जीरा इसका नाम है। ये माता पार्वती को बहुत प्रिय था, माँ पार्वती इसी की दातून तीजा के समय करती, सभी जितने लोग होते हैं वो व्रतधारी इसी लट जीरा का दातून करते हैं। तो यहाँ सभी औषधियाँ मिल जाती हैं और तिल के पत्ती से बाल धोया जाता। तो आप देखिए ये करौंदा बहुत सारा फूला हुआ है, बहुत सारा फूला हुआ है, और आंवला बहुत ढेर सारा फला हुआ है। और खेती कट गई है पूरी तरह से, गेहूँ वगैरह कट गए हैं। मेरा घर अभी बनने में 2 महीना लगेगा, इस समय नहीं मिलता। हमारे बगीचे में आंवला अत्यधिक बहुत फला है। आप देखो, ये देखो ध्यान से, इधर पूरा फला हुआ है और ज़मीन में भी बहुत गिरा हुआ है आंवला। ज़मीन का भी आंवला आपको दिखा रही है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है ज़मीन। ये देखिए इस टाइप के हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा आंवला गिरा हुआ है, घर वाले इसका अचार और मुरब्बा बनाएंगे। और इसमें भी देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन सा पेड़ फला हुआ है। एक ये है, फिर दूसरा ये है, दो पेड़, और तीसरा वो पेड़ है जो कि फूल लेकर फल ले लिया है। बस 3 पेड़ ही हैं, बाकी आंवले के अनुसार देखो तो बहुत सारे पेड़ हैं पर फले नहीं हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। और घर के बगल में है वो भी नहीं फला है, तो हम इसको छत से रोज देखते थे। तो बच्चों से बोलते थे, बच्चे बोले नहीं चाची वो पत्ती पीली पीली हो गई है। मैं बोली उनको, मैं देख के आती हूँ। मैं भी देख के आई तो आंवला अब बहुत फला है, बहुत ज़्यादा फला है। इसको बोलते हैं अमित फल।
विटामिन सी का भरपूर प्रचुर मात्रा है इसमें। अगर आप इसको कच्चा खाएं ऐसे ही बहुत पसोतर आता है, तो आँख की जो रोशनी होती है, बाल काला होना, शरीर के और तमाम दुर्बलताओं को दूर करके आपके शरीर को स्वस्थ सुंदर और एकदम चमत्कारी बाल वगैरह आँख वगैरह को काफ़ी ताकत देता है। और ये पक चुका है ऑर्डर।